नमस्ते सभी दर्शकों, आज जो चीज़ लेकर हम अभी आपके पास आए हैं वो है कि ये जो मार्कर्स का जो पेन होता है, ये जो मार्कर्स जो वाइट बोर्ड मार्कर्स होता है, ये वाइट बोर्ड मार्कर पेन्स, इसका जो इंक होता है ये अगर ख़त्म हो जाता है तो इसको आप रिफिल कर सकते हैं, ये आप सभी को पता है। मगर इस लॉकडाउन की वजह में आपको इसका जो स्पेसिफाइड मार्कर इंक कोई जगह पर शायद नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर एक दुकान जहाँ पे यह मिलता है वो बुक स्टोर्स, स्टेशनरी स्टोर्स, ऑल ऑफ देम आर क्लोज्ड। तो उसीलिए आज हम ये प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि कैसे आप घर पे ही इसका इंक बना सकते हो। और ये इंक बनाने के लिए आपको बहुत सीधी सादी चीज़ें लगेगा जो आपका घर पे ही उपलब्ध होगा। और अगर अगर आप थोड़े पता है आपको कि कहाँ पे अलग अलग चीज़ मिलता है तो ये आप कलेक्ट कर सकते हो उधर से। तो मेरा हिंदी का एक्सेंट शायद थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो इसलिए हम आपसे माफ़ी चाह रहे हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये प्रोसेस जहाँ पे हम मार्कर के इंक बनाएंगे। देखिए पहले आपको दिखा देते हैं कि हम ये मार्कर को इंक डालेंगे। देखिए इसका जो राइटिंग है ये अभी काफ़ी ठीक ठाक नहीं रहा, फीका हो गया है। तो कुछ देर इसको ऐसे ऐसे करने से देखिए इसका जो लाइन आते हैं ये उतना डीप नहीं है, तो इसलिए इस मार्कर को हम आज रिफिल करेंगे वो जो इंक हम बनाएंगे उससे। तो देखिए एक मार्कर का जो इंक होता है उसमें चार चीज रहता है। पहला तो है सॉल्वेंट जिसपे जो मार्कर का जो इंक होता है उसको सॉल्यूबल करने के लिए जो चीज लगते हैं उसका नाम है सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरा चीज होता है पिगमेंट्स, जहां से कलर आते हैं मार्कर का इंक से, इंक का जो कलर होता है वो ये पिगमेंट से आता है। थर्ड होता है रिलीज एजेंट, ये क्या है ये हम आपको बाद में बताते हैं। थर्ड है वैक्स, जो मोमबत्ती का जो मोम होता है उस तरीके का एक चीज होता है वैक्स। और ये क्यों यूज होता है, जब आप मार्कर को ऐसे खुले छोड़ देते हो उसके बाद जब आप कुछ देर बाद उसको यूज करने का कोशिश करते हो तो देखते हैं ना कि उसका जो इंक है वो ज्यादा ठीक ठाक से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो वैक्स होता है वो ऐसे ही एक सिस्टम से बने होता है कि वो मार्कर का टिप को सील कर देते हैं, और बाद में जब आप फिर से लिखना शुरू करते हैं तो आपका जो हाथ का जो प्रेशर से जो हीट पैदा होता है उससे वो बिगड़ जाते हैं और फिर से आप लिख सकते हो। तो ये एक तरीका का एक स्पेशल थिंकिंग है, जैसे कि आपका मार्कर का इंक को सूख ना जाए। तो ये वॉक्स हम लोग अभी आज नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ चीज मेंटेन करना पड़ता है, कुछ स्पेशल केमिकल फॉर्मूलाज मेंटेन करना पड़ता है, तो ये वॉक्स हम नहीं यूज करेंगे। नाउ ये रिलीज एजेंट क्या होता है, ये रिलीज एजेंट वो चीज है जिससे आपका जो मार्कर का जो इंक है वो आप जब मिटा देते हो ना तो वो चला जाता है, परमानेंट मार्कर की तरह नहीं। एक टेम्पररी मार्कर का क्या होता है, जो आप कुछ भी लिख रहे हो फिर मिटा देते हो तो ये चला जा रहा है, क्योंकि ये मार्कर का जो इंक ये जब व्हाइट बोर्ड में आते हैं तो ये एक सॉल्यूशन की तरह आते हैं। उसके ऊपर के हिस्सा में क्या होता है, मार्कर का जो पिगमेंट्स वो इंक वहाँ पे क्या है कि रहता है, और जो सेकंड लेयर होता है उसमें वो रिलीज एजेंट रहता है। तो जब आप मिटा देते हो तो रिलीज एजेंट उसका ही जगह पर रह जाता है और जो पिगमेंट्स है वो आपका डस्टर में आ जाता है। तो चलिए ज्यादा बात करने का पहले हम ये इंक बना के आपको दिखाते हैं। तो ये इंक बनाने के लिए पहले ये जो सॉल्वेंट है ये आप सभी को पता है ये कुछ नहीं है, स्पिरिट है, अल्कोहल है, ठीक है। तो आप आइसोप्रोपाइल या इथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे वो जो वुड स्पिरिट होता है, मतलब काठ को पॉलिश करने के लिए जो स्पिरिट लगता है वो मेथिलेटेड अल्कोहल यूज करेंगे, उसमें भी चलेगा। अभी तो इसमें तो हम स्पिरिट यूज कर रहे हैं, पिगमेंट्स में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ये जो होता है इसको ड्राई पिगमेंट्स कहते हैं, तो ये दाना दाना होता है तो उसमें
ये टिप जैम हो सकते हैं, इसीलिए अभी हम ये ड्राई पिगमेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं। ड्राई पिगमेंट्स के बदले में हम ये यूज कर रहे हैं, कैमलिन का जो जो फाउंटेन पेन का जो काली होता है वो यूज कर रहे हैं। पिगमेंट सब कुछ भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों हो गया चीज। थर्ड जो है वो है रिलीज एजेंट। नाउ इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा क्योंकि रिलीज एजेंट के लिए जो जो केमिकल्स लगता है वो रेडीली अवेलेबल नहीं होता है। आप जो कर सकते हो वो कि वो है कि जो घर पे जो खाने का सोडा होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को आपका घर में अगर विनीगर होगा तो उसमें डाल के थोड़ा देर उगाल लेने से देखेंगे कि एक रिएक्शन हो रहे है और कुछ गैस निकल रहे है। उसको ऐसे छोड़ देने से आपको जो मिलेगा वो है सोडियम एसीटेट। ना वो सोडियम एसीटेट को अगर आप एल्कोहल में थोड़ा देर पिघल लेंगे तो जो आपको मिल सकता है वो है एसिटिलिन की जैसा एक चीज मिलेगा आपको। तो वो आप थोड़ा फिल्टर करके रिलीज एजेंट जैसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो रिलीज एजेंट जैसे यूज कर रहे हैं उसका नाम है बेंजाइल एसिटेट। नाम है बेंजाइल एसिटेट, ऐसा एक चीज है जो कुछ कुछ भी जो प्रिंटिंग होता है, कुछ भी एक पेन के ऊपर जो ऐसा प्रिंटिंग होता है, कुछ अगर कुछ आपका जो म्यूजिक सिस्टम है उसके ऊपर उसका कंपनी का नाम जैसे प्रिंट होता है, वो जो जो इंक से ही प्रिंट होता है ये बेंजाइल एसिटेट से वो मिट जाते हैं। तो बेंजाइल एसिटेट एक ड्राई इंक को सल्यूबल इंक में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए हम बेंजाइल एसिटेट यूज कर रहे हैं। ये बेंजाइल एसिटेट आपको कहाँ मिलेगा? जो लोग सिल्क स्क्रीन प्रिंट करता है, सिल्क स्क्रीन जो प्रिंट जो ये जो क्या है ये जो मार्किंग्स होता है इस तरीका का, वो जो जो शर्ट के ऊपर साड़ी का ऊपर जो प्रिंट करते हैं वो ये बेंजाइल एसिटेट यूज करते हैं। तो उसका पास से आपको जरूर मिल जाएगा। और ये बहुत ही सस्ता केमिकल है, ऐसा एक बोतल का कीमत आता है करीब से करीब 20 से 25 रुपया। तो आपको सिर्फ कुछ ही बूंद लगेगा इसका। तो चलिए दिखाते हैं प्रोसेस जो है कैसे करते हैं। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं पहले। ये टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, पहले थोड़ा बेंजाइल एसिटेट ले लेते हैं। थोड़ा बेंजाइल एसिटेट ले लिया है इसमें। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम थोड़ा मिथाइल अल्कोहल, मतलब मिथाइल अल्कोहल नहीं, ये एक मिक्सचर है मिथाइल और आइसोप्रोपाइल का, मेथिलेटेड स्पिरिट, ये कुछ बूंद ले लेते हैं। देखिए ये एक नॉन मिक्सिंग कुछ लेयर क्रिएट कर रहे हैं। बेंजाइल एसिडेट नीचे का लेयर में है और जो इथाइल अल्कोहल वो ऊपर का लेयर में है, तो दोनों लिक्विड मिक्सिंग नहीं होता है। अभी इसमें हम डालेंगे ये पिगमेंट, मतलब इंक, थोड़ा ही डालेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है। एक दो तीन, तीन बूंद डाल दिया है, उससे ज्यादा इसका जरूरत नहीं है डालने का। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए जो चीज सोल्यूबल नहीं हो रहा था अभी मिक्स करने से वो एक सॉल्यूशन में कन्वर्टेड हो गया, ठीक है। अभी हम ज्यादा देर मत करेंगे क्योंकि ये जो एल्कोहल्स है, बेंजाइल एसिडेट है, ये दोनों ही जो क्या है कि इवापोरेटिंग केमिकल्स है, तो ये इवापोरेट कर सकता है, इसीलिए वो इवापोरेट करने का पहले ही हम इसको इस पे डाल देते हैं। चलिए हम इसको खोल के ही रख दिया था, आपको समझाने के लिए इसको और एक बार खोलते हैं, इधर से इसको अलग करते हैं और इसमें लिक्विड डाल देते हैं। इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, वो जो फिल्टर है उसमें ये सोक कर जाएगा। वो डालने का पहले और एक बार इसको
मिक्स देंगे और डाल देंगे। ये हल्का हल्का से डालना है, अंदर का जो एयर होता है एयर निकालने को टाइम देना है। एक एक बूंद करके डालना है। तो डाल दिया ये मैंने, अभी इसको बंद करना है। इसको एक मिक्स करना है थोड़ा बहुत। अब देखिए जो राइटिंग है वो बहुत फ्लुएंट हो गया है। देखिए अभी जो हमको देखना है कि ये राइटिंग मिटता है या नहीं मिटता है, ये हमको देखना है। देखिए ये जो राइटिंग है ये पूरी तरह से मिट रहा है, और देखिए राइटिंग कितना डीप हो गया है, कितना गाढ़ा हो गया है। राइटिंग कितना डीप हो गया है देखिए, और ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ रहा है इसको राइट करने के लिए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। हमको अच्छा लगेगा अगर ये प्रोसेस जो हमकी तरह जो मेरा तरह जो टीचर्स होता है, जो टीचर्स है प्राइवेट ट्यूटर्स है जिसको अभी ऑनलाइन में क्लास लेना पड़ रहा है, अगर सभी को ये हेल्प में आए कुछ ये यूजफुल हुआ तो हमको अच्छा लगेगा। ये अगर आपको कोई हेल्प में आए तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।